नरेश गोयनका ने अपनी आधी दौलत अभीरा के नाम कर दी है। अभीरा और रूही बहने, क्या हम पुरानी बातें बुला के आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं? Yes, I agree. Officially, आज दोस्ती कर ही लेते हैं। नैनो के इस नए नवेले प्यार की उम्र बहुत छोटी है। अभीरा, तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम रूही की माँ की कातिल की बेटी हो। रूही आगे करो, अरे कोई पानी नहीं दे रहा। आप सब कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या हुआ? पता नहीं, चाची से मैं गाड़ी निकाल रही थी और अचानक। और तुमने रूही पे गाड़ी चला दी। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब क्रिश को गाड़ी चलाना सिखा रही थी तब भी तुमने रूही का एक्सीडेंट किया था। अभी ना तुम्हें मुझसे दुश्मनी है ना, तो बिचारी मेरी बहू पे क्यों निकाल रही हो? सीधा गाड़ी मुझ पे चला दो ना। ये तो चाहती है ये। और क्या, भगवान दुश्मन दे दे लेकिन तुम जैसी बहू किसी को ना दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड के बारे में। आज हम जानेंगे कि इस एपिसोड में क्या हुआ है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में हमें पता चला है कि रूही प्रेग्नेंट है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये खबर जैसे ही सबके सामने आई है हर कोई चौंक गया है। लेकिन इसके साथ ही एक नई समस्या भी पैदा हो गई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि अब अभीरा पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने रूही को गाड़ी से उतार दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है? ये सवाल सभी के मन में है। फिलहाल विद्या का एक बड़ा बयान आता है, वो अभीरा को चेतावनी देती है कि वो रूही के आसपास भी ना भटके। दोस्तों ये एक बहुत तनावपूर्ण सिचुएशन है कि अभीरा अपनी बहन को बचा पाएगी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। पिछले कुछ समय में रूही और अभीरा के बीच का रिश्ता काफी सुधर गया है। अब वो एक दूसरे के साथ बहनों की तरह बर्ताव कर रही हैं। उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। क्या आपको याद है कि कैसे पहले वो एक दूसरे से दूर रहती थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां आ गई हैं। ये एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन क्या ये बदलाव लंबे समय तक रहेगा? यहां तक कि रूही की विद्या के प्रति सोच भी बदलने लगी है। क्या वो अपनी बहू अभीरा को फिर से खोना चाहती हैं? ये सवाल अब सबके मन में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूही अपने बच्चे की कुर्बानी अभीरा के लिए दे देंगी? क्या वो अपने बच्चे को अभीरा को दे देंगी? ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। दोस्तों ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। तो दोस्तों आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है का लेटेस्ट एपिसोड।